G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन के हांगझोंग पहुंचे पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। 3 महीने के भीतर दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले जून में उन्होंने ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर मुलाकात की थी। शनिवार को चीन पहुंचने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने मोदी के आगमन के बारे में ट्वीट करते हुए कहा, हनोई में सुबह, हांगझोंग में रात। वियतनाम के 2 दिवसीय दौरे के बाद मोदी यहां पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच मतभेद का विषय बने मुद्दों में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी शामिल है, जो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में चीनी दूतावास में हुए विस्फोट की निंदा की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कश्मीर रवाना हो गया। कश्मीर घाटी में भगवान वानी के एनकाउंटर के बाद से जारी हिंसा के कारण वहां पर लगभग 2 महीने से हालात काबू में नहीं आए हैं। शनिवार को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक में सरकार की तरफ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा अरुण जेटली, अनंत कुमार, रामविलास पासवान शामिल हुए। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि अगर सरकार सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करेगी तो सरकार को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को भी बातचीत के लिए निमंत्रण भेजे जाना चाहिए। सीताराम येचुरी ने यह भी कहा कि पैलेट गन को हटाकर मिर्ची बम लाए जाने जैसी विश्वास पैदा करने वाली घोषणाएं जम्मू कश्मीर में की जानी चाहिए। पीएम मोदी ने अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत वियतनाम दौरे पर कई अहम संकेत दिए। पीएम ने बौद्ध मठ पगोड़ा गए और वहां बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की। पीएम ने कहा कि भारत और वियतनाम के संबंध 2000 साल प्राचीन है। पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग यहां युद्ध का उद्देश्य लेकर आए, हम बुद्ध के शांति के संदेश को लेकर आए जो आज भी कायम है। उन्होंने कहा, जो युद्ध लेकर आए वो मिट गए, जो बुद्ध लेकर आए वो अमर हो गए। बुद्ध की शांति, बुद्ध ही शांति का मार्ग दिखाता है। पीएम मोदी ने कहा, बम बंदूक वाले वियतनाम से सीखे कि युद्ध से अधिक परिवर्तन बुद्ध लाता है। उन्होंने कहा, बौद्ध धर्म का भारत से वियतनाम पहुंचना और वियतनाम में 4 हिंदुओं के मंदिरों के स्मारक का होना इस संबंध की पुष्टि करता है। कश्मीर घाटी में प्रदर्शनकारियों पर अब पैलेट गन के बजाय मिर्ची पाउडर वाले पावा गोले का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कश्मीर जाने से 1 दिन पहले इस पर सहमति दे दी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पैलेट गन के बजाय अब नोनी वेमाइड यानी पहला गार्निक एसिड वेनाइल एमाइड का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि आज तकरीबन 1000 गोले कश्मीर पहुँच जाएंगे। पिछले महीने 24 और 25 अगस्त को कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री ने कहा था कि सुरक्षा बलों को पैलेट गन का विकल्प जल्द ही दिया जाएगा। केंद्र से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आने के 1 दिन पहले कश्मीर में हिंसा जारी है। शनिवार को काजीगुंड के बेसू इलाके में सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। कुलगाम जिले में गुस्साए लोगों ने पीडीपी नेता का घर आग के हवाले कर दिया। वहीं अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, बड़गाम, सोपोर, कुपवाड़ा में हिंसक प्रदर्शन हुए। सुरक्षा बलों पर पथराव के बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसमें लगभग 100 लोग घायल हो गए हैं। वेटिकन सिटी में एक समारोह के दौरान रोमन कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांसिसी मदर टेरेसा को संत घोषित करेंगे। इस मौके पर दुनिया भर से आए मदर के 1 लाख अनुयायी भी मौजूद होंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व में केंद्र सरकार का एक 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली से सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में और बंगाल से सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य स्तरीय दल भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता दिवंगत मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मशीनरी ऑफ चैरिटी के ननो के मुताबिक मदर की लोकप्रियता के कारण रोम में होने वाले समारोह का दुनिया भर में विशेष महत्व होगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और अभिनेता अमिताभ बच्चन ने शनिवार को झाड़ू लगाई।
स्वच्छ भारत अभियान के तहत माकलीनाथन का आयोजन किया गया था। अमिताभ इस अभियान के एम्बेसडर है। जे अस्पताल के बाहर कार्यकर्ता और छात्रों के साथ फडणवीस और बच्चन भी झाड़ू लेकर उतरे। सीएम ने कहा 2 अक्टूबर तक महाराष्ट्र के 50 शहर स्वच्छ हो जाएंगे। अब राज्य में 7000 गांव खुले में शौच मुक्त है। वहीं अमिताभ बच्चन ने कहा अगर आप किसी को गंदगी करते देखें तो जाकर उसे रोकें। उन्हें बताएं कि वे क्या गलत कर रहे हैं। अगर आप बार बार टोकेंगे तो लोग जरूर बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती संगम नगरी से चुनावी बिगुल फूंकने आ रही है। पूर्व सीएम परेड मैदान में महारैली से इसकी शुरुआत करेगी। रैली में इलाहाबाद समेत वाराणसी और मिर्जापुर से लाखों कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए करोड़ों रुपए की लागत से भव्य पंडाल तैयार किया गया है, जबकि पूरा मैदान नीले रंग में रंग दिया गया है। जगह जगह पार्टी नेताओं के होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं। पार्टी नेता रैली में 5 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा कर रहे हैं। यूपी के रामपुर के स्वार में नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने देश के बादशाह को कमजोर और बुजदिल करार देते हुए कहा कि देश के रखवालों के दुश्मन देश जहां सिर काट रहा हो, वहीं देश का बादशाह पाकिस्तान जाकर देश के दुश्मन की मां को कश्मीरी शॉल भेंट कर उसके पैर छू रहा है। अगर उन्हें बादशाह बना दिया जाए तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी हिंदुस्तान में होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक पूंजीपति ने देश के बादशाह को अपना एम्बेसडर बनाकर कारोबार की दुनिया में बेच दिया है। ये शर्म की बात है। संदीप कुमार ने कोल्ड ड्रिंक्स में नशे की दवा मिलाकर दी और उसके बाद यौन शोषण किया। ये आरोप उस महिला का है जो सीडी में दिखाई दे रही है। महिला ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है और अब आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री के खिलाफ रेप का केस दर्ज हो चुका है। इस बीच पुलिस ने संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक संदीप कुमार को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि शुरुआती सबूत के आधार पर विधायक को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सीडी में दिल्ली सरकार के बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार के साथ दिख रही महिला के सामने आते ही एक बार सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया है। गीतकार जावेद अख्तर ने 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भड़ास निकाली है। जावेद अख्तर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा मैं 3 तलाक को सही ठहराने पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। वे अपने ही समुदाय के सबसे बड़े दुश्मन है। गौरतलब है कि बोर्ड ने 3 तलाक को सही ठहराया है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में बोर्ड ने कहा कि पर्सनल लॉ को सामाजिक सुधार के नाम पर दोबारा से नहीं लिखा जा सकता। तलाक की वैधता सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री रहमान मलिक ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने अलगाववादी नेताओं की सहायता करके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर दी है। आसिफ अली जरदारी की सरकार में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से मंत्री रहे रहमान मलिक ने भारत पर अलगाववादियों की मदद करने का आरोप लगाया है। रहमान मलिक ने कहा कि बलूचिस्तान में बंगाल विभाजन के समय हुई पूर्वी पाकिस्तान जैसी स्थिति बन रही है। इस स्थिति में पश्चिमी देशों का संरक्षण प्राप्त कर भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर मुक्त वाहिनी की भूमिका निभा रहा है। बांग्लादेश कट्टरपंथी जमात इस्लामी के मुख्य फाइनेंसर और मीडिया हस्ती मीर कासिम अली को फांसी दे दी गई है। कासिम को 1971 में हुए मुक्ति संग्राम के दौरान गलत भूमिका को फांसी की सजा सुनाई गई थी। कासिम को फांसी देने का अंतिम आदेश जेल अधिकारियों को सौंपा गया था। फांसी से जेल अधिकारियों ने कासिम अली मीर के परिवार को अंतिम बार मिलने के लिए बुलाया था। सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ढाका के बाहरी इलाके में मौजूद कासिमपुर केंद्रीय कारागार में कड़ी सुरक्षा के बीच कासिम को फांसी से फंदे से लटका दिया। Thank you.